हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन रूरल स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं GADVASU। तो इस इंस्टीट्यूट में क्या करनी चाहिए, अप्लाई करने के लिए क्या क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस वीडियो। ओके, तो काफ़ी ईजी और काफ़ी सिंपल सा है। चलिए देखते हैं, आपके ब्राउज़र में सर्च करना होता है तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाए यहाँ पर। तो आपके ब्राउज़र में सर्च कीजिए। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑनलिंग पर एक्जैक्टली क्लिक करनी होती है। लास्ट में यहाँ पर IAS पर जरूर टाइप करना है। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सारे का सारा अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती है। सबसे पहले तो आप जो है सर्च कर लेते हैं। तो मैं क्लिक किया यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको बताई गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये पहले पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ डेट एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्म को जरूर फिल करना है जो सामने आपके फॉर्म में। आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन से स्टेट के रहने वाले, आपकी सिटी क्या, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है। आपको क्या करना है, अब गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यही सारी चीज़ होती है, इससे यही होता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे जरूर क्लिक कर देना है आपको। तो एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए इसे चेक करते रहना इस वेबसाइट पर आकर के, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म का डेट मिल जाएगा। तो उस डेट को आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियली। ओके गुरु, ओके यहाँ पर देख सकते हैं अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बेटर रिप्रेजेंटेड, एंड जो है इसको इस नाम से जाना जाता है, GADVASU शॉर्ट नेम से है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी इज़ लुधियाना पंजाब इंडिया में है। ओके ओके, तो चलिए आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और इस यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर बोला गया है ये इन्वॉल्व है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेट जो है 9 अगस्त 2005 से यहाँ पर है, और ये सोसाइटी बाय। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर सारे प्रोसेस भी बताए गए हैं कि क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस, एलिजिबिलिटी, एडमिशन देखनी पड़ती है, काउंसलिंग डिटेल्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर से आप मतलब अपडेट रहते हैं, नोटिफिकेशन रहते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। क्लिक हियर, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीजिंग कभी होने वाला है वो यहाँ से क्लिक करके चेक करेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो रिलीज होने वाले एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह, एग्ज़ाम डेट, सारी चीज़ यहाँ पर अपडेट आते रहते हैं। ओके, कोर्स ऑफर किया कौन सा गया, सबसे पहले एक गुड न्यूज़ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गुड न्यूज़ सुन लीजिए, गुड न्यूज़ ये कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD बंका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, माना रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, यहाँ पर आप अपना नाम पे क्लिक करते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट में, उस यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें भी आपको अप्लाई करना होता है, जिस किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, अब यहाँ पर देखे थे कि आपके बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए, कोर्सेज चेक कर सकते हैं, ठीक है, PG लेवल के, PhD लेवल जो भी है। अब ये आपके एग्ज़ाम का नाम देख सकते हैं यहाँ पर, आप फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोर्स ऑफर कौन सा किया है, UG PG लेवल, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगी। ओके, अब ऑफिशियल वेबसाइट ये आपके सामने, और हेल्पलाइन नंबर के, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, स्टेट, यूटी और कंट्री भी प्रोवाइड कर दी गई है। फिर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे। UG एक्सेप्टेड फॉर NRIC कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर आप ये भी सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, अवेलेबल इवेंट का भी होगा, कौन से ये ऑनलाइन मोड से, ये सारी चीज़ें के लिए, कोर्सेज के लिए, PG के लिए भी इसी तरीके से इवेंट, और डेट देखनी है कौन से डेट को, 3rd week of August एप्लीकेशन फॉर्म उस समय रिलीज़ होगा, लास्ट डेट कभी है 1st week of September में, तो ऐसे आपको चेक करना है। फिर जो है NRI एडमिशन के लिए बोला गया, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म का भी रिलीज़ होगी तो वो भी आपको देखना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की जाती है, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, वेरियस कोर्सेज के लिए। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, व्हेन रजिस्ट्रेशन इज डन, एप्लीकेंट कैन ओपन गेटवे यूजिंग द ईमेल आईडी, उसके बाद आप सारी चीज़ करेंगे, फोटोग्राफ्स अपना अपलोड करना होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। ओके,
एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट करना होता है, जितना फीस बुलाएगा उतना फ़ीस भी कर सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, और ये पीजी के लिए जो जो है वो बता दिए गए। ओके, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए चलिए वो देखते हैं। जैसे कि यूजी के लिए बीबीएस, एएच, बीएफएस, बीटेक के लिए तो कोर्स नेम देख सकते हैं यहाँ पर आप। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया बोले गए तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आप ये सारी चीज़ देखेंगे कि कोर्स नेम, स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर आपका 12th कम्प्लीट होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पर। 12th आपके कम्प्लीट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश रिकॉग्नाइज बोर्ड्स है, 50% मार्क्स ही रहता है अप्लाई करने के लिए, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है जो सेट के थ्रू आपका यहाँ पर इंटर एग्ज़ाम के थ्रू होगा। फिर यहाँ पर पीजी के लिए बताया गया, इसी तरीके से पीजी के लिए भी देखना होता है जो काफ़ी इजी है। ओके, फिर पीएचडी के लिए भी ऐसे आपको देखना है, कोर्स नेम क्या है, स्पेशलाइजेशन, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको बेस्ड किसके ऊपर, इंटरव्यू के थ्रू, एग्जामिनेशन के थ्रू। एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होंगे, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रिपरेशन के लिए आपको मैंने वीडियो बना दी रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख के आप प्रिपरेशन कर लेंगे। एडमिट कार्ड रिलीज़ कहाँ पे की जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, किसके, GADVASU के ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाते हैं, जहाँ से आप एडमिट कार्ड को चेक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ये डाउनलोड करने का स्टेप है। रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा, रिज़ल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक करके फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पर कर पाएंगे। स्टेप जो है डाउनलोड करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं। एडमिशन होता है ना आपका, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होते हैं, जैसे कि चॉइस ऑफ द ऑल यूजी प्रोग्राम के लिए, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें की गई है। कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो फिर जमाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।